तीन सर्कल बनाएंगे हम लोग, और तीनों डिफरेंट मेजरमेंट के होंगे। हम लोग आज से लोटस फ्लावर बनाएंगे। जैसे आपने देखा है, मैंने यहाँ पे तीन सर्कल बनाए हैं, एक बड़ा, एक उससे छोटा और ये उससे भी छोटा। सर्कल सारे कंप्लीट होने के बाद हम इनको कट कर लेंगे। कट कर लेंगे। ये देखिए, तीन सर्कल ऑलरेडी कट करके रखे हुए हैं। अब इसको अब इसमें हम लोग इक्वल मेजरमेंट ड्रा करेंगे, सेंटर से थोड़ा छोड़ देंगे कट करने के लिए, नहीं तो पूरा कट करेंगे तो पेज पूरा अलग हो जाएगा। जैसे एक लाइन ये हो गई, दूसरी ऐसे हुई, तीसरी इधर से लेंगे हम लोग, सेंटर को देखते हुए लेंगे। और ये फोर्थ है। सेंटर से लेते हुए आप चाहें तो सेंटर को से एक छोटा सा सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे क्या है ये आपका बराबर आएगा आपका कट, मगर मैं अंदाजे से ऐसे कर रही हूँ। ऐसे सभी में आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है। से हमने सब में लाइंस बना दी है। अब हम लोग इनको कट करेंगे। इस तरह से हम सारी कट करेंगे। सारा कट करके ये ऐसे बन जाएंगे, और इसी तरह ये बाकी दोनों छोटे वाले भी कट कर देंगे। अब देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पे सारे कट कर लिए हैं, अब हम लोग जो स्मूथ वाला हिस्सा है उसको नीचे रख के ये रफ वाले हिस्से से हम लोग इसको एक पेटल का शेप देंगे ऐसे करके, और इसको ग्लू से चिपकाएंगे। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ग्लू लगा लिया है। और इसको ऐसे करके चिपका के एक पेटल बनाएंगे। फिंगर की मदद से आप अपना पेटल बनाते जाइए।
कार्ड ये होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा अच्छे से। इसी तरह ही ये तीनों के दोनों के मतलब जो कट किए हुए हैं इनके भी ऐसे ही पेटल्स बनाने हैं। इसी तरह मैंने सारे सर्कल कंप्लीट कर दिए हैं फ्लावर्स से। अब नेक्स्ट पार्ट है इनको तीनों को असेंबल करना। हम लोग नीचे बीच में बड़े वाले में थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे और यस ये वाला पेटल हम लोग यहाँ पे स्टिक कर देंगे बीच में। और इसके ऊपर लगाएंगे और तीसरे वाले को भी इसमें हम लोग चिपका देंगे। ये देखिए कितना अच्छा फ्लावर्स बन गया है। इससे तीन फ्लावर बन गए। अब मैं इनके अंदर एक एक मिरर लगा रही हूँ। आप चाहे तो ऐसे सिंगल में भी डेकोरेट कर सकते हैं, ऐसे हैंग कर सकते हैं, मगर मैं इनका हैंगिंग बनाऊंगी तीनों का। उसके लिए आप मेरे पास ये तीन चीज़ें, आप सैटन रिबन यूज़ कर सकते हैं, सैटन रिबन यूज़ सकते हैं, कोई भी कलर का सैटन रिबन मार्केट में इजीली अवेलेबल है, मगर मैं ये लेस लूँगी। लेस भी बहुत सुंदर लगती है। और इस ये मैंने करीब आधा मीटर काट लिया है। इसमें से हम आधा मीटर यूज़ करेंगे इसको हैंगिंग बनाने के लिए। मगर इसको लगाने और सारे फ्लावर्स को लगाने से पहले हम लोग पहले इसमें साइड में थोड़ा डिज़ाइन बना देते हैं। जैसे ये मैंने एक लगाया है, ऐसे लगाना है। इसके लिए आपको पेपर टेप चाहिए और मैंने कुछ ऐसे मोती से बनाया हुआ है। ये सब मार्केट में मिल जाता है, दुकान में कहीं से भी आप ले सकते हैं। इसकी जगह आप स्ट्रॉ वगैरह भी हैं वो भी यूज़ करते हैं। बेल्स मिलती हैं, नीचे बेल्स लगा सकते हैं। कुछ भी डेकोरेटिव आइटम मार्केट में मिल जाता है, शॉप में कहीं से भी जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग पेपर टेप से पहले ये लगाएंगे। नीचे वाले जो होगा उसमें हम लोग चार लगाएंगे, एक एक सेंटर में रहेगा, दो इधर रहेंगे, तीन चार पांच, अगर आप चाहें तो, नहीं तो तीन लगा सकते हैं। और ऊपर जो आएगा उसमें साइड के दो रहेंगे दोनों में। हम लगाना स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, छोटा सा ही लेंगे हम। मैंने यहाँ लगाया तो दूसरा वाला भी यहीं लगाते हैं, इधर लगाएंगे। साइड में ऐसे लगा देंगे पेपर टेप के साथ, और एक्स्ट्रा थ्रेड जो है उसे हम कट कर दे रहे हैं। ये ऐसे लगेगा लगने के बाद।
ऐसे मैंने लगा दिए। अब इसको मैं थ्रेड से लगाऊंगी, पीछे लेस लगा के सबको जोड़ दूंगी। ये सबसे नीचे आएगा, ये सबसे ऊपर। आप इसमें लूप चाहे तो लगा सकते हैं ऊपर, मगर ये ऐसे भी आप कील में ऐसे टांग सकते हैं। वैसे ये ऐसा लगेगा और इसको टांगने में ये बहुत खूबसूरत लगता है। आप इस पे दिवाली पे भी आप लगा सकते हैं, दुर्गा पूजा है, या वैसे भी आप घर अच्छे से कमरा सजा सकते हैं, बहुत प्यारा लगता है। ये सिंपल सा है, ज़्यादा मटेरियल नहीं चाहिए इसमें, सिर्फ एक चार्ट पेपर चाहिए, दो तीन मिरर्स चाहिए, तीन मिरर्स चाहिए। आप चाहे तो इसमें चार फ्लावर्स बना सकते हैं, और बड़ा करना चाहे तो चार फ्लावर्स ऐसे बना के चार बना सकते हैं, दो भी कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो सिंगल भी एक बड़ा सा इसी तरह सिंगल बना के लगा सकते हैं। स्टॉप, मैंने ऐसे ही इसको टांग दिया है, ये देखिए थोड़ा सा कितना अच्छा लग रहा है। फ्लावर्स हैंगिंग आप कहीं पे भी ऐसे टांग सकते हैं, देखने में सुंदर लगता है।